कर रही होगी, हाँ है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा इन बिटवीन, तो साथ एग्जाम आ गई में है। हाँ मैडम, वो लिस्टिंग लिस्टिंग है उसमें। हाँ, बुलाइए मैम, ठीक बुला है लीजिए ठीक है। टीम, टीम को बुला लीजिए, टीम वेट कर रही होगी ना। ओके मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ मैम, टीममेट मेरे ज्वाइन कर लेंगे फिर। ओके मैम, तो मतलब हमने कल मतलब एक्सटेंड हो गया था हमारा सेशन, तो डिस्कशन नहीं हो पाया Q&A वाला, फिर हम मतलब आंसर्स नहीं दे पाए, तो हुआ था कि आज मेंटिंग सेशन में कर लेंगे। तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ मतलब, तो हमने क्या किया एक ब्रीफ में, और उसके बाद Q&A जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं मतलब जो हमने दे नहीं पाए, कर नहीं हो पाया टाइम की वजह से। तो मेनली मैम हमने जो बनाया है वो सो वेब एक्सटेंशन जो आपको दिखाया था, जो कि YouTube से कमेंट्स हटा रहा है, और आपको कमेंट्स हटा के वो डायरेक्टली रिपोर्ट BPRD को हम रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, और वो यूज़र आईडी रिपोर्ट कर ट्वीट्स भी हटा रहा है। ट्वीट्स जब कल आपको दिखाया था उसने लॉगिन किया था, उसने मतलब कुछ देर पहले आईडी बनाई थी रिक डेकार्ड की, उसी की मतलब आईडी थी, और हम टाइप अलर्ट दे रहे हैं कि अगर कुछ आप गलत टाइप करते हो तो ऑटोमेटेड टाइप अलर्ट है वो। और पॉर्नोग्राफी हमने इमेजेस का दिखाया था, वो इमेज NSW वाली कवर अप हो जा रही है, कट हो रहा है, इसको कट हम हो गया। रिपोर्ट कर। ओके, एम ऑडिबल? यस यस। सो हमने क्या किया कि जो भी इंस्टाग्राम पे अगर वो कोई इमेज है अडल्ट इमेज, तो हम उसको कवर अप कर रहे हैं, और अगर पोर्नोग्राफी की इमेज है हम उसको फिर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और हमने कल परसों सर ने ये भी कहा था अगर और साइड वेबसाइट पे भी इमेजेस हो सकती हैं, तो हमने वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने इमेज रिवर्स सर्च भी इम्प्लीमेंट किया है, जिससे हम उसको इमेज को भेज रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर वो रिपोर्ट का उसको रिवर्स इमेज सर्च कर लगा रहे हैं उस पर, तो वही पर्टिकुलर इमेज और जितनी वेबसाइट पे होगी तो हम उसके लिंक्स भी उनको वो BPRD को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक ही जगह उनको उस इमेज की सारी लिंक उनको मिल जाएगी वो। और हमने वो किया हुआ है, और टाइप अलर्ट है, और हमको अपने वीडियो का एनालिसिस कर दिखाया था अगर कौन वीडियोज कुछ है, तो उसको हम ब्लर कर रहे हैं, और उसको दिखाया था आपको टर्मिनल पर वो भी वर्क कर रहा है एनालिसिस ऑफ वीडियो। और आपको रिपोर्ट और रिपोर्टिंग का था, और रिपोर्टिंग हमने इंप्लीमेंट किया, और कीबोर्ड आपको दिखाया था कि हमने कीबोर्ड किया है, जैसे आप व्हाट्सएप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, जिससे आप वो टाइप अलर्ट का वो एंड्रॉयड वर्जन है, और आपका एक पर्सनल डैशबोर्ड है कि जिसपे आप कुछ भी देखना है वो एंड्रॉयड पे, और हमने डैशबोर्ड बनाया है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड से BPRD यूज़ करेगा। हम कट हो रहा है निखिल, आवाज आ उसका गया। एनालिसिस। हेलो, हाँ तो अब आ रही, हाँ हाँ आ रही है। हाँ पासवर्ड प्रोटेक्ट डैशबोर्ड है जो से BPRD यूज़ करेगा, उनको उनको ही एक्सेस होगा, जिसमें हमने सब एक्सेस दिखाया है एनालिसिस करके कि ये फेसबुक ट्विटर यूट्यूब से कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और फिर से टॉप टूलर्स कौन है, अगर हमने वो भी डायनेमिक पूरा किया, जैसे डेटा आएगा तुरंत वो चेंज होगा, तो टॉप 10 दिखा रहे हैं हम जैसे इस समय कि इन्होंने कितने कमेंट्स किए हैं, टॉप 10 ट्रोलर्स कौन है यूट्यूब के, और टॉप 10 यूट्यूब ट्विटर के ट्रोलर्स कौन से हैं, और पोर्नोग्राफिक इमेज है उनकी लिंक्स, और उनके और वो लिंक्स कहाँ कहाँ मौजूद है, उन सब की लिंक्स, फोटोज की लिंक्स, और कमेंट्स, और किस कौन उसको कमेंट कर रहा है ऐसे टॉक्सिक, वो हम अभी तक हमने किया है, और OCR का हमने देखा है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इतना हमने कर रखा है जितना मैंने आपको बताया। और मैम और कल हो जैसे हुआ था कि ये कैसे हेल्प और सब पे वर्क करना चाहिए, तो जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था कि ये लिखा था इस शुड वर्क ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब फेसबुक ट्विटर एट्सेट्रा, तो मेनली जैसे चार पांच, जैसे ट्विटर फेसबुक यूट्यूब रेडिट इंस्टाग्राम, ये मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे हैवीली यूजर्स हैं, तो अगर हम एक पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो दूसरे पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कोड इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हम डेटाबेस लीड नहीं कर सकते, क्योंकि सर जैसे था कि कल डेटाबेस है, जैसे फेसबुक का डेटाबेस है सिर्फ उसी को एक्सेस है, वो गवर्नमेंट भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती, उनको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे एप्पल तो वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती, अगर वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन देना है कि नहीं, तो हम तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रंट एंड है फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज होता है,
तो हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, बट जो टैग्स हैं हम उसको हटा रहे हैं, उसके टैग्स को अल्टर कर रहे हैं, तभी वो कमेंट नहीं दिख रहे हैं। हम डेटाबेस के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनके फ्रंट एंड को टैग्स को अल्टर कर रहे हैं जिससे वो दिख रहे हैं। तो अगर हम थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे कोड में तो उसको सब पे वर्क करेगा, क्योंकि हमको दिखाना है हैकाथॉन के लिए, तो हमने सिर्फ एक एक पे सब पे थोड़ा थोड़ा किया है। और मैम वो बात कल हुई थी कि जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट को कैसे हेल्प करेगा, कि वो डिस्कस नहीं हो पाया था जैसे। तो मैम ऐसा हम लोग ने वो पढ़ा, मतलब रिसर्च पेपर्स हैं, एक मास में रिसर्च हुई इंडिया की, इसमें पता चला 1 out of 10 टीनेजर्स होते हैं वो साइबर बुलीड होते हैं, तो टीनेजर्स हैं जो, और उनमें से हाफ होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेनली प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि हाफ रिपोर्ट करते क्यों नहीं है। तो हाफ रिपोर्ट का रीज़न ये कि ह्यूमिलिएशन, रिटेलिएशन, उनको लगता है कि और उनको हार्म होगा इसलिए नहीं करते। तो अगर कहीं कहीं क्राइम होता है, मर्डर होता है, तो उसको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, तभी उसके पास इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर अगर रिपोर्ट ही नहीं होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्राइम रेट नहीं है उधर, वो क्राइम है। तो हम तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट कर रहे हैं उसको, ऑटोमेटिक जो लोग कमेंट ऐसे कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिक सब चीज़ रिपोर्ट करें विथ एवरी आईडी ऑफ देम जो सोशल मीडिया पे है। फिर बीपीआरडी उनके आगे एक्शन ले सकती है, ये लो स्केल पे। अगर इसको थोड़ा स्केल अगर ऊपर करें, अगर कोई फेमस पर्सन है, जैसे इलेक्शन हो रहा है और किसी ने कुछ कमेंट किया किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो लोग जैसे आईटी कुछ भी होता है बहुत ट्रोल करते हैं लोग बहुत, तो हर पर्सन को जाके वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, अगर वो सबको ब्लॉक नहीं कर सकता और सबको रिपोर्ट नहीं कर सकता वो। और जैसे अब लोग क्या करते हैं अभी कमेंट टर्न ऑफ कर देते हैं अपना, कुछ अगर कुछ ट्रोलिंग होती है जैसे सेलिब्रिटीज होती है अपना कमेंट टर्न ऑफ करते हैं, तो वो कमेंट टर्न ऑफ करना एक सोल्यूशन नहीं है वो, मतलब आप टर्न ऑफ कर दो वो सोल्यूशन नहीं है उसका। तो हमारा तो पूरा ऑटोमेटिक रिपोर्ट है, जितने 1000 यूज होंगे सब एक ही बार में रिपोर्ट हो जाएंगे। तो लॉ ये अच्छे से प्रोटेक्ट हो, साइबर क्राइम जो लोग कर रहे हैं क्रिमिनल्स उन पर रिपोर्ट हो पाए, उनका इन्फॉर्मेशन जा रही है बीपीआरडी के पास, तो वो ऐसे कंपनी सार वो टाइप कर सकते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो फेसबुक तब उन पर लुक कर सकता है। फेसबुक भी डायरेक्ट किसी कमेंट को पोस्ट करता नहीं है, उसमें भी एक पर्सन इन्वॉल्व होता है। तो ये ऐसे तो ऐसे हम लॉ इन्फोर्समेंट हेल्प करेगा, क्योंकि हमको मेनली है कि साइबर बुलिंग कम हो और लोगों के मेंटल हेल्थ पे कम असर पड़े, क्योंकि अगर टीनेजर को साइबर बुलिंग होती है तो बहुत मेंटल हेल्थ को असर पड़ता है, लाइफ टाइम हो सकता है, कभी कभी सुसाइड को लीड कर देता है। तो इसलिए हम वो सामने सता रहे हैं कि वो ना देख पाए, तो उससे थोड़ा मेंटल हेल्थ कम होगा, क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने अपने कमेंट को जो हुआ है और रिपोर्ट भी हो गया वो, तो उनके मेंटल हेल्थ के लिए वो सही रहेगा। और फिर और जो बीपीआरडी है जैसे फेसबुक को हो गया, अगर वो रिडायरेक्ट करते हो डेटा तो फेसबुक उस पर लुक कर सकता है, ये आईडीज है ये लिंक्स है, डायरेक्ट उस पर एक्सेस करके उनको ब्लॉक करना है वो फेसबुक कर सकता है। वो निखिल कट हो रहा है कि हम हेलो हाँ तो मैं कहता कि वो किसी को ब्लॉक करना है वो फेसबुक डिसाइड करता है, क्योंकि उनके प्राइवेसी लॉज हैं वो, तो इसलिए ये ऐसे वो पूरा वर्क करेगा। और ये पूरा इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है कि ये पूरा हमारा भी पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा है पूरा अच्छे से हमारा, तो ये है हमें। और OCR का भी हमने वो देखा है, वो OCR भी हो सकता है क्योंकि हमारा मॉडल रेडी है, उसी बस वो हमको एक्सट्रैक्ट करना है, हमने देखा एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, वो क्या नाम है कोई इमेज है उसमें से टेक्स्ट और फिर उसको हमारे पास मॉडल रेडी है एनालिसिस का, तो फिर वो OCR भी हो सकता है। और हमारा सब कम्प्लीटेड हमने किया हुआ है अब तक, और हमने वीडियोस पे भी इम्प्लीमेंट किया है, अभी मैन्युअली कर रहे हैं, वो ऑटोमेट भी हो सकता है। कल आपको मैम दिखाया था वीडियो पे कर रहे हैं आप लॉ एनफोर्समेंट को रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं? ऐसा देखिए, हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जो बीपीआरडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कि एक वन वे स्टॉप है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक जो फ्रंट एंड से मतलब जो होता है, तो ऊपर आते सर यूजर आईडी आता है या ट्विटर में यूजर हैंडल आता है, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, ठीक है सर। तो जो सोर्स कोड होता है फ्रंट एंड का, उसमें टैग्स होते हैं जिसमें वो लिखे होते हैं सब, तो हम उन टैग्स में से वो लिंक वो कमेंट हटा दे रहे हैं, और फिर जो यूजर आईडी उनका है वो सोर्स से वो फ्रंट एंड से वो यूजर आईडी उठा रहे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोर्स में होती है, वो हमने स्क्रिप्ट लिखी है ऐसी कि वो फ्रंट एंड से वो हटा रही है, तो वो यूजर के फीड से ही सब ले रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर यूजर वो एक यूनिक आईडी होगी, तो ये भी नहीं हो सकता कोई भी वो उसके नाम के बोल रहे, क्योंकि ट्विटर हैंडल यूनिक होता है। तो ऐसे हम डायरेक्ट उनको दिखा रहे हैं कमेंट कर रहे हैं, और इमेजेस के लिए हम लिंक दे रहे हैं कि डायरेक्ट लिंक पे जा पाए। यस सर, वो बीपीआरडी को एक्सेस होगा तो एक जगह सब उनको उनको डेटा भी जा रहा है जो उन्होंने लिखा है या जो शेयर किया है जो। यस सर, यू नो शेयर किया हुआ है। हां यस सर, वो जो कमेंट है या ट्वीट है वो भी आ रहा है डेटाबेस में। ओके यस सर, ये कल डिस्कशन नहीं हो पाया सर। यस सर, ठीक है, या कांसेप्ट इज गुड। एंड यस सर, एंड सर अगर आप लोग चाहते हैं, मतलब OCR का हमने लगभग अभी कर दिया है, अगर आप चाहते हैं तो हम OCR भी दिखा सकते हैं, मतलब वो कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी, क्योंकि हमारा मॉडल जो सेंटर एनालिसिस कर रेडी है। इवनिंग में प्रेजेंटेशन के टाइम पे दिखाएं, अभी आपको और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। ओके सर, और सर यस सर, वो इंग्लिश में इवेल्युएशन होगा तो हम पूरा जैसे हमने डेमोंस्ट्रेट तो किया हुआ है, जैसे वो यूट्यूब का जो हमने दो बार से हम PPT नहीं किया, हमने डेमोंस्ट्रेट ही किया हुआ है,
तो हम पूरा डेमोंस्ट्रेट करेंगे, टाइम लगता है या थोड़ा पीपीटी भी दिखाना, मतलब इवैल्यूएशन के लिए थोड़ा सोचना। आप इवनिंग टाइमिंग में सिर्फ आपका डेमो दिखा सकते हैं, पीपीटी नहीं दिखाएंगे तो चलेगा। ओके पूरा डेमो। ओके मैम, तो मैम ये हमारा आइडिया था और ये डिस्कशन के लिए था कि कल हो नहीं पाया था इसलिए। मैम आपका म्यूट पे सुनाई नहीं दे रहा मैम। रश्मि मैम योर माइक इज म्यूट। नहीं मैम अभी अब आ रही है आवाज। यस मैम। हाँ हाँ निखिल, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप टॉप 10 ट्रेंडिंग दिखा रहे हैं ना बुलीज की, उसमें डेटा सेट कितना लिया है? जैसे डेटा सेट मतलब जो डेटा जो कमेंट्स हम कर रहे हैं। हाँ तो हम कमेंट जैसे हमने कमेंट किया। हाँ तो हमने जैसे ले रहे हैं, हमने जैसे साहिल ने कुछ कमेंट किया हमारे में टीम में साहिल नाम के, तो हम उसकी एक यूनिक आईडी है हमने वो यूज किया है लाइब्रेरी, जिससे वो फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं इस यूनिक आईडी कितनी फ्रिक्वेंसी है कमेंट की उसकी, जिसके जब से ज्यादा हाई है उसको उसको टॉप 10 वो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब फिर वो दिखा देते हैं, तो वैसे वो टॉप पर आ जा रहे हैं उसके उसके हिसाब से आप वो करते जा रहे हैं काउंटिंग करते जा रहे हैं ना। जस्ट वो यूनिक आईडी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो शेयर करेंगे स्लैक के ऊपर, तो आप देख लीजिएगा एक बार जो भी आप डेमो दिखाना चाह रहे हैं ना, तो अगर कुछ पॉइंट्स हो तो पीपीटी बना लीजिएगा है ना। यस मैम। ओके यस मैम, वो थोड़ा डेमो में बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं थोड़ा, वो पॉइंट देंगे इसीलिए बोला, इसके बाद में दे देंगे, स्लैक पे चेक कर लीजिएगा है ना। ओके और मैम और कोई इंप्रूवमेंट आईडिया में? ओके बड़ी बढ़िया है आपका, अच्छा है ना, इसी को अच्छे से कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच निखिल, योर टाइम इज ओवर एंड योर टीम कैन लीव नाउ। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल द जजेस। मैम 40 मिनट्स ओवर हो गए हैं तो रीजॉइन करना पड़ेगा मीटिंग को, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।